हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन इक्वल टू एक्स मीटर, लेंथ इक्वल टू वाई मीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इक्वल टू 2 × x + y मीटर। अब कंडीशन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से बाय द कंडीशन y इक्वल टू x + 4 एंड हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 36। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से क्या मिल रहा है, y इक्वल टू x + 4। इक्वेशन 2 से हाफ इंटू 2 × x + 4 इक्वल टू 36। 2 कटा कैंसिल हुआ, x + y इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू 36 - y। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x और y का दो दो पॉइंट निकालेंगे दोनों इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू अगर -4 हो रहा है तो y का वैल्यू 0। इक्वेशन नंबर 2 में y का वैल्यू अगर 18 ले रहे हैं तो x का वैल्यू 18, y का वैल्यू अगर 16 ले रहे हैं तो x का वैल्यू 20। अब क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट आ गया 0, 4, दूसरा पॉइंट आया -4, 0, और दूसरा इक्वेशन का 18, 18 यहाँ पर, और एक पॉइंट है ये 20 और यहाँ पर 16। एक पॉइंट दोनों को ऐड करके एक्सटेंड कर देंगे, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक पॉइंट पे पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये पी पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ से एक्स मापेंगे 16 और वाई मापेंगे यहाँ से 10, 15, 20। यहाँ पर एक एक डिवीज़न लिखना पड़ेगा, 1 division = 1 meter। तो ग्राफ्स ऑफ टू इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ये पी का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज 16, 20। तो क्या मिला, विड्थ इक्वल टू 16 मीटर, लेंथ इक्वल टू 20 मीटर।